दिखा दूँ? चलो दिखा देते हैं। 3, 2, 1 देखो देखो। सो हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम बैक विद माय अदर ब्लॉग। सबसे पहले तो यार आप सबको बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कमेंट में कर देना, ठीक है। तो बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू आंसरिंग द क्वेश्चन। तो मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं उनका रिप्लाई करूंगा अपनी यूट्यूब वीडियो के अंदर। सो या आज मैं आंसर करने वाला हूँ आप सबके मज़े मज़े के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हट के क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ ये भी पूछा लोगों ने कि आपकी जीएफ है या नहीं है। तो उन सब का आज मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरा फ्यूचर एम यूट्यूब क्यों स्टार्ट की है, आगे करूँगा कंटिन्यू, या इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। सो आज मैं नहीं आंसर करूँगा वन बाई वन, सो ब्लॉग पूरा अंत तक देखना, और मैं अपनी ये भी आंसर करूँगा कि मेरी जीएफ है या नहीं है, बट वो ब्लॉग के एंड में आंसर करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर कासिम की तरफ से, इफ़ यू कैन गो बैक व्हाट विल यू एडवाइस 15-year-old योरसेल्फ। तो अगर मैं पीछे भी चला जाऊँ अपने 15 साल की उम्र में, तो मैं ख़ुद को यही एडवाइस करूँगा कि यार ये ले उम्र तेरे आगे हाथ बांध रहा हूँ, माइलस्टोन नहीं जाना भाई, माइलस्टोन नहीं जाना। ये क्या कॉन्सेप्ट है छुट्टी बंद करने वाला, मतलब तुम्हारी कॉलेज लाइफ सारी ख़राब हो गई है इस वजह से। तो मैं अपने आप को ये एडवाइस करूँगा कि यार कभी कॉलेज नहीं जाना हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उन्होंने ही पूछा कि वन थिंग यू रिग्रेट डूइंग, क्या चीज़ आपको अफसोस करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे यही अफसोस होता है, ऑब्वियस सी बात है कि यार जो मैं अपने फ्रेंड्स को मिस करता हूँ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, ठीक है, ये भी अफसोस होता है कि मैंने कॉलेज लाइफ भी अपनी सही से नहीं गुजारी, ये भी एक अफसोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर सम सीक्रेट विद अस। तो यार मैं एक बार मस्जिद से किसी और की जूतियाँ पहन के आ गया था और मैं वापस भी नहीं रखने गया, झूठ बोलो। ये एक सीक्रेट था जो कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं वो पहन आया हूँ। सो यार उस वक्त छोटा था, मुझे क्या पता था। योर बेस्ट मेमोरी ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, बेस्ट मेमोरी ऑफ पास्ट 2 ईयर्स वही है जब हम वो बलून्स, ठीक होते हैं, पानी से भर के एक दूसरे को मार रहे थे, सर आमिर ने पकड़ लिया था, ओए हाय क्या मज़े की मेमोरी बनी थी हमारी। क्वेश्चन है ओए ईशान का ब्रेकअप वीडियो, समझ नहीं आई मुझे, हकीकत बात है गजब बेइज्जती है। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा है, आज तो हमारी ट्विनिंग हो गई। अच्छा प्रैक्टिकल क्लास में, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी मेरे जैसे कपड़े पहने थे। अगला क्वेश्चन है माइलस्टोन कॉलेज से क्या सबक हासिल किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग माइलस्टोन कॉलेज से मैंने ये सबक हासिल किया कि अगर सर हामिद ने कह दिया कि बाहर रात है, ठीक है बाहर रात है, तो आपने कहना कि बाहर रात है, बल्कि आपने कहना कि 1 बज रहे हैं। अगर आपने ये कह दिया ना गलती से कि बाहर दिन है, ओए आगे से आपकी छुट्टी गई बंद 3-3 बजे तक, ठीक है। आप रुके ना, आपने जाना नहीं है यहाँ से, सर जी इनको जाने नहीं देना यहाँ से। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर एम, करो सबसे पहले तो मैं पापा बनूंगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर एम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, किसी को बताना नहीं। फेवरेट पर्सन, ऑब्वियसली बात है यार, हर इंसान का फेवरेट पर्सन वो खुद ही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंडली अगर इसका कोई फेवरेट पर्सन हो तो यार मेरे भी बहुत सारे हैं, बट पहले मैं अपने आप को गिनता हूँ, ठीक है। हमाद खान का मैसेज आया, आर यू सिंगल। दोबारा ऐसे सवाल ना करी। अगला क्वेश्चन है हमाद खान का, आपकी कितनी जीएफ थी और अब कितनी हैं। यार अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, पहले मेरी थी 150, तो आजकल ज़रा महंगाई का दौर है तो 110 है या 111 है। मैं तो नोलान कह रही अपनी जबान लगाम दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आदिल का, यार उमर भाई अपनी भाभी कब ढूंढ के दे रहे हो मुझे। देखो आदिल भाई, दिस इज़ योर 2-3 डेज ऑफ अट्रैक्शन और मे बी 1 वीक, बट यू कॉन्ट टेक इट एज एडिक्शन, बिकॉज अट्रैक्शन इज़ अ टेम्परेरी प्रोसेस। सो इस चक्कर में आपने अपने आप को इनगल्ज नहीं करना। अगला क्वेश्चन है ज़ाहिर अहमद अवान का कि अगर आप किसी को डिस करना चाहो तो किसे डिस करोगे। पहले तो यार मैं ख़ुद को डिस करूँगा कि यार वाई आई एम सो लेज़ी, जो मुझ में लेज़ीनेस कूट कूट के भरी है ना, मैं ख़ुद को डिस करूँगा कि यार मैं क्यों इतना लेज़ी, मैं अपने एक रूटीन से चल रहा हूँ लॉस डालना, फिर मैं बीच में रेस्ट ले लेता हूँ, वाई आई एम टेकिंग रेस्ट। सो डिस मैं अपने आप को खुद करूँगा। अगर ब्लॉगिंग ना करते यूट्यूब पर तो क्या करते।
पतंग दिख द पतंग पगड़ी दिख पगड़ी पतंग दंगड़ा पगड़ा दंगड़ा पगड़ा सर ये करता। अच्छा अगला क्वेश्चन है ज़ाहिर अहमद दीवान का, ये है कि भाई रैप का शौक किधर गया तेरा। यार रैप का शौक मुझे चढ़ा था कोई 9-10 क्लास में, तो बहुत शौक था उस वक्त यार मेरा म्यूज़िक हो, और मैं मतलब उस वक्त एक शौक था, खैर बचपना था, उस वक्त मेरे पास माइक भी नहीं था, लिरिक्स मैं लिख चुका था। बट फिर ऐसा हुआ कि कोरोना ने एंट्री मारी, बीच में लॉकडाउन लग गया, गेम आ गई, गेम खेलते खेलते वो शौक मेरा उतर गया और माइक भी नहीं था मेरे पास। दूसरी बात, पहली बात बल्कि। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त, ऑब्वियसली बात है यार जिसने पूछा है वही मेरा दोस्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं बनते। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से डैट जब तक मेरे प्रॉपर मजबूरियाँ ख़त्म नहीं हो जाती देन मैं रेगुलर नहीं आ सकूँगा। बस एक मजबूरी रहेगी वही है कल का जो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, वो एक बार हो जाए अपन फिर रेगुलर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन है राजा अयान का इंस्पिरेशन। आपके सामने बैठी है यार तेरे भाई की इंस्पिरेशन ये है, और सेकंडली आई वुड लाइक टू वॉच दानी जिहान। बहुत 2-3 साल पहले मैंने उसको देखा था जब उसकी डेथ हो चुकी थी, या उससे पहले भी मैं देख रहा था उसको, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे, बट यही है इंस्पिरेशन मेरी। अगला क्वेश्चन है गुलाम मुस्तफ़ा अवान का, वाई नॉट क्रिएट वी लॉग डेली बेसिस। यार सबसे पहले तो यार आपकी इंग्लिश पत्ता तालियां बजनी चाहिए ऐसे ज़ोर ज़ोर से, मेरी इंग्लिश पे भी बजनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अहमद मुगल का, 8863 यू आर सिंगल और मिंगल। यार ये मैं बताऊंगा, ठीक है मिंगल ही हूँ बट आखिर मैं बताऊंगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा है कॉल मी एंजल ने योर एज। माई एज इज़ तकरीबन 18 साल हो गए, 18 साल से ऊपर का हो गया बल्कि। सो ये थे आज के क्वेश्चन। तो यार आप बारी इस क्वेश्चन की कि मेरी DF है या नहीं है। सो या मैं मेरी GF है, मेरी क्रश भी है, ठीक है वही, और वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि यूनिवर्सल क्रश है, ठीक है, एंड मेरी बंदी भी है और मेरी GF है यार, देख सकते हो आप लोग। तो दिखा दूँ, चलो दिखा देते हैं, 3-2 मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। 1 देखो देखो क्या हुआ, हैरान हो गए, ओए और से देखो ये देखो। तकरीबन मैं 15 वीडियो 4 बैठी हां, मेरीयां सारीयां तुसी वीडियो डिलीट करती ना हद ताड़ो बेजाल बात थारी मार ली ताड़ो, ऐ वेखो मेरीयां वीडियो फेर होई गल ए समझ नहीं आंदी। क्या नाम? फरहाना। फरहाना हम तो बात तुमसे कर रहे थे तो उसकी बारी कैसे आ गई? सोच लो बोलिएगा। ऐसा बोलेंगे बेटा दुनिया देखेगी। ऐसा भी नहीं बोलिएगा। अच्छा चलो बताओ कौन से लपक बोले। इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे ये यूज़र नेम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, अगर आप नहीं फॉलो करते तो यार जाकर फॉलो करो और मेरी जो व्लॉग फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, और यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, एक मिनट भी नहीं लगता और ना आपका बिल आता है, ठीक है सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो अगर आप चाहते हैं इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँ, क्योंकि और भी क्वेश्चंस बहुत हैं, मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे, तो यार मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओका जी ओका।